आज बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम जीआईसी लेक्चरर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं ये पॉइंट है कि प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है तो वेस्टर्न ब्लाटिंग टेक्निक यूज होती है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के लिए सदर्न ब्लाटिंग टेक्निक यूज होती है आरएनए हाइब्रिडाइजेशन के लिए नॉर्दर्न ब्लाटिंग यूज होती है तो ये तीनों जो ब्लाटिंग हैं ये इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना सीड जर्मिनेशन इन साइकस साइकस में सीड जर्मिनेशन कैसे होता है हाइपोजियल होता है साइकस में सीड डिस्पर्स सीड डिस्पर्सिंग किसके द्वारा होती है मतलब सीड का डिस्पर्सन किसके द्वारा होगा साइकस में तो एनिमल्स के द्वारा होता है बडिंग ऑफ पोटैटोज इनहिबिटेड बाई एन ए ए के द्वारा होता है प्रिंसिपल ऑक्सिन फिच आकर्स इन मोस्ट प्लांट्स प्रिंसिपल ऑक्सिन है जो ज़्यादातर पौधों में मिलता है कौन सा है वो आई ए ए है रूटिंग हार्मोन कौन सा है तो ये ऑक्सिन है नेम द डिसीज ऑफ राइस प्लांट विद फिच द डिस्कवरी ऑफ जिब्रैलिन एसोसिएटेड मतलब आपको उस डिसीज़ का नाम बताना है जो कि राइस में होती है और वो जिब्रेलिन के खोज से एसोसिएटेड है तो बैकेनी डिशीज़ है ग्रोथ रेट इज़ जीरो इन सेनेसेंट फेज़ इन विच फेज ग्रोथ रेट इज़ मैक्सिमम तो ग्रोथ रेट किस में होती है लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल नेक्स्ट है विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस तो एपसीसिक एसिड है मिल्की एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज रिच इन विच हारमोन मतलब जो कोकोनट में जो उसका वाटर होता है जिसे हम मिल्की एंडोस्पर्म कहते हैं तो उसमें कौन सा हारमोन रिच होता है तो साइटोकाइनिन्स होता है उस पर नेक्स्ट है नेम द हारमोनस विच सिग्नल्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग सेवेयर ड्रॉट और सेवेर सोलर रेडिएशन तो एफ सीसिक एसिड है नेक्स्ट विच न्यूक्लिक एसिड मालिक्यूएल इज बिलीव्ड टू कॉन्टेन एसाइटोकाइनिन मालिक्यूएल एज वन ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट न्यूक्लियोटाइट ये टी आर एन ए है द साइट ऑफ द साइट ऑफ फोटोपीरियोडिक परसेप्शन ये यंग लीव्स होती हैं नेक्स्ट है, है इकोटाइप टर्म किसने दिया था तो टूरेशन ने दिया था री बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है येलोइंग एंड सेडिंग ऑफ लीव्स इन ऑटम इन मैनी ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेनेसेंस का एग्जाम्पल है विच लाइट इज द मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिज्म में कौन सी लाइट मोस्ट इफेक्टिव होती है तो ब्लू है फ्रूट ड्रॉप इज काज बाई फ्रूट ड्रॉप का कारण क्या है लेस ऑक्सीजन इन द फ्रूट नेक्स्ट है सीडलिंग्स ग्रोन इन डार्कनेस जो सीडलिंग्स डार्क में ग्रो करते हैं कैसे होते हैं टालर होते हैं दैन दो लाइट में उगते हैं उनसे टालर होते हैं इलांगेशन ऑफ जेनेटिकली डो प्लांट इज पॉसिबल बाई द एप्लीकेशन ऑफ तो ये जी ए थ्री है द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रोथ वॉज परफॉर्म्ड बाई डारविन एंड बोसन जेनसन है तो नेक्स्ट है केमिकल मैसेंजर फ्रॉम द एम्ब्रियो दैट ए सीड टू डाइजेस्ट द एंडोस्पर्म इज है है द फीमेल प्लांट्स ऑफ जिंगो एमिट स्मेल ऑफ जिंगो का जो फीमेल प्लांट है वो क्या एमिट करता है तो ब्यूटायरिक एसिड इंपॉर्टेंट है वेनेशन इन द लीव्स ऑफ जिंगो जिंगो के लीव्स में वेनेशन कैसा होता है तो फर्केट वेनेशन होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइकस इज कैसी होती है डिप्लोहैपलॉन्टिक होती है फीवर हैज नथिंग टू डू विद द बैड एयर दिस वॉज फर्स्ट प्रूव्ड बाय रोनाल्ड ने किया था फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट डार्विन प्रपोज्ड मतलब फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट डार्विन प्रपोज तो कौन सी थ्योरी दिया था इसके लिए थ्योरी ऑफ पेन जेनेसिस दिया था थ्योरी ऑफ पिनजिनेसिस दिया था